भक्त को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा जी, ये बहन का नाम आशिमा है, ये अपनी गवाही खुद ही देना चाहते। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। ऐसे तो हमारी गवाही बहुत है, पर मैं आपको तीन चार बताऊंगी। पहले तो मेरे फादर की गवाही है। वो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो चल नहीं पाते थे। जैसे एक लंगड़ा चलता है वो वैसे चलते थे और वो एक कपड़ा तक नहीं पहन सकते थे। और मेरी मम्मा इतनी रो रही थी, उस दिन एक सिस्टर का फ़ोन आया नंगल से कि उसने हमें बताया, और उसने हमें पापा जी के बारे में बताया। फ्राइडे को मेरे पापा चर्च आए, पापा जी से ले हैंड कराया। उसी वक्त मेरे पापा बिल्कुल चंगे हो गए और लोग मेरे पापा का मजाक लेते थे कि आप लंगड़े क्यों चलते हो, पर हम बोलते थे कि आप चंगे होंगे और आप लोग आपको पूछेंगे। वही लोग अब हमें पूछते हैं कि आपने इनको कहां दिखाया, और मेरे पापा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। लॉकडाउन में ही मेरे पापा बीमार हुए और हमने शॉप खोली, उसी टाइम मेरे पापा बीमार हो गए। जब हमने शॉप खोली, मेरे पापा इतने ज़्यादा बीमार थे कि मेरी मम्मा बिल्कुल भी दुकान पे फोकस नहीं दे पा रही थी, और लोग हमारा मजाक लेते थे कि इनकी दुकान कैसे चलेगी, इसके पापा तो बीमार हैं। और जैसे ही मेरी मम्मा ने शॉप खोली, हमारी दुकान पे चार सूट थे और लोग हमें बार बार पूछने आते थे कि आपने सामान नहीं लाना, आपने सामान नहीं लाना। मेरी मम्मा उनको एक ही चीज़ बोलती थी कि ये दुकान पूरी फुल होगी, अब ऐसा ही है, हमारी दुकान पे इतना सामान है कि हम बाहर तक सामान लगाया हुआ है। हालेलुया। तीसरी गवाही मेरी है। मैं 10th के एग्ज़ाम थे और मैं हर बारी एग्ज़ाम में बीमार हो जाती थी। जब मेरा रोल नंबर आया, मैंने पापा जी से ले हैंड करवाया, और जब भी मेरे पेपर आते थे, पहले मैं बीमार हो जाती थी और मेरे को पेरेंट्स पूछते थे तेरा पेपर कैसा हुआ। मैं उनको तो बोलती थी मेरा पेपर अच्छा हुआ, पर मुझे पता था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। इस बार जब मैं 10th के एग्ज़ाम लेके गई, एग्ज़ाम देने गई, मैंने अपने सर को बोला कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, और मेरे उतने ही मार्क्स आए। मैं 79% से प्लस हो चुकी हूँ। हालेलुया। का नाम ज्योति देवी है, ये रियासी से आए हैं, ये 2 साल से चर्च आ रहे हैं। पापा जी अपने हस्बैंड देवेंद्र कुमार की गवाही देना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड जो है कभी किसी के पास, कभी किसी कंपनी में काम करते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि उन्हें अपना काम मिले, वो इंडिपेंडेंट काम करें, वो किसी के पास काम नहीं करना चाहते थे, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे हस्बैंड वाइफ। फिर पापा जी ने चर्च में प्रोफेसी की थी कि आप जिनके पास गाड़ियां नहीं है उनको गाड़ियां मिलने जा रही है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत ही विश्वास के साथ रिसीव किया, और ये बहन बता रही है कि ये एक 4-व्हीलर ऑटो से ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। इसका कलर कौन सा? वाइट। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। पापा जी अगली गवाही है। सिस्टर का नाम संतोष कुमारी है, ये सिल्ला से आए हैं, ये 2 साल से चर्च आ रहे हैं। ये बहन गवाही देना चाहती है कि पापा जी ने चर्च में प्रोफेसी की थी कि जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलने जा रहे हैं, जो कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हैं उनको काम मिलने जा रहा है। इस बहन ने और इनके पूरे परिवार ने बहुत ही विश्वास के साथ रिसीव किया, और बहन बता रही है इनके घर के 4 जन को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को और इनके भाई को कंपनी में काम मिल चुका है। 15,000 सॉरी, सबको 15,000 सैलरी है। पापा जी मैं इस काम से खुश नहीं हूँ। हाँ। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा गुड ने टेक है। क्या बात है, सही है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात है, मेरे भाई ने जो बिस्मा लिया ना, इसमें मैं ज्यादा खुश हूँ। पापा जी अगली गवाही है। सिस्टर का नाम डॉली है, ये कटरा से ही आई है, ये 10 महीने से चर्च आ रही है। ये बहन बताना चाहती है कि बहुत देर से इनकी दुकान जो है वो खाली पड़ी हुई थी, कोई भी उसको ये रेंट पे देना, किराए पे देना चाहते थे, पर कोई भी ले नहीं रहा था। बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, आर्थिक स्थिति भी कंट्रोल में नहीं थी, बैलेंस नहीं थी, घर में पैसा भी नहीं आ रहा था। ये चाहती थी कि मेरी दुकान या
या फिर किराए पे कोई ले ले, पर जिस दिन पापा जी ने चर्च में प्रोफेसी की थी कि जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलने जा रहा है, बहन ने बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ रिसीव किया। आज वही दुकान इन्होंने अपनी खुद की पार्लर की दुकान खोली है विद कॉस्मेटिक। हालेलुया। पापा जी अगली गवाही है, सिस्टर का नाम नेहा है, ये नलिया से आई है, ये एक साल से चर्च आ रही है। पापा जी ये बहन बता रही है कि कल ये जब ट्यूशन जा रही थी, ये बहन पापा जी के पास ही ट्यूशन पढ़ती है, ये जा रही थी तो इनका पांव जो है बिल्कुल मुड़ गया, इनको ऐसे लगा कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी या तो मेरे पांव की हड्डी टूट गई, कुछ तो हुआ है मेरे पास, बहुत ही ज्यादा पांव में दर्द होने लगा, चल नहीं पा रही थी। पर इन्होंने विश्वास रखा कि चलो ट्यूशन नहीं पढ़ पाऊंगी पर पापा जी से प्रेयर ही करवा लेती हूँ, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये डॉक्टर के पास नहीं गई, सीधा पापा जी के पास गई और जैसे ही पापा जी ने इनको अनॉइंटिंग ऑयल दिया, दूसरे बच्चे ने इनको अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, इनकी वो दर्द उसी वक्त धुआं बन के उड़ गई और आज आपके सामने ये बहन बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। पापा जी आज की एक बहुत ही अद्भुत गवाही है, इन ब्रदर का नाम कालिदास है, ये कांजली से आए हैं, ये एक साल से चर्च आ रहे हैं। पापा जी ये बहुत ही एक अद्भुत गवाही देना चाहते हैं, ये भाई बता रहे हैं कि सुबह ये जब चर्च के लिए घर से आए, इनका घर जो है चर्च से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पर जब भाई बाइक स्टार्ट की, इनके पास पैसे नहीं थे, क्या नहीं था, इनकी बाइक में जो पेट्रोल ही नहीं था बिल्कुल भी, भाई बता रहे हैं 2 बूंद पेट्रोल होगा। एक भाई ने यही विश्वास किया, मुझे तो चर्च जाना है, जहां मेरी बाइक रुकेगी मैं उधर ही छोड़ दूंगा पर मैं चर्च जरूर जाऊंगा। और भाई बता रहे हैं उस 2 बूंद पेट्रोल से ये आज अपनी बाइक लेके चर्च में आ चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।